इसराइल फिलिस्तीन वॉर के बीच एक नाम हिजबुल्ला जो आपको बार बार सुनाई दे रहा, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन इसराइल जैसे देश हिजबुल्ला को लेकर अलर्ट मोड में है, अपने सिटीजन से लेबनान छोड़ने की बात कर रहे हैं, सऊदी अरब भी अपने सिटीजन को लेबनान से निकलने को कह रहा। वजह हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल को लेकर आ रहे हैं उसके स्टेटमेंट। और ऐसे में अगर हिजबुल्ला इसराइल फिलिस्तीन वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो ये वॉर और खतरनाक हो सकती है। ईरान फॉरेन मिनिस्टर हिजबुल्ला का नाम लेकर इसराइल को एक तरह से धमकी देते हैं कि अगर हिजबुल्ला कॉन्फ्लिक्ट में इंटर करता है तो ये इसराइल के लिए बड़ा भूकंप होगा। ऐसे में अगर हिजबुल्ला के ताकत की बात करी जाए तो हिजबुल्ला के एक लीडर हैं हसन नसरुल्ला, इन्होंने कहा था इनके ग्रुप में 100,000 ट्रेंड लड़ाके हैं। साथ ही साथ हिजबुल्ला के पास रॉकेट मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जैसी चीजें भी मौजूद हैं। मिसाइल की बात करें तो हिजबुल्ला के पास करीब 120,000 से लेकर 130,000 मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी एयरक्राफ्ट एंटी टैंक एंटी शिप मिसाइल भी है। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम है फतह, जो कि 250 से 300 किलोमीटर रेंज को कवर कर सकती है और पूरा का पूरा इसराइल हिजबुल्ला के मिसाइल फतह के रेंज में आता है। हिजबुल्ला इसराइल के किसी भी हिस्से पर अटैक करने में कैपेबल है। रॉकेट की बात करें तो हिजबुल्ला के पास 150,000 के करीब रॉकेट है और सबसे अहम चीज हिजबुल्ला अपना सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल को मानता है और उसका एम इसराइल को खत्म करना है। ऐसे में यह समझना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हिजबुल्ला क्या है, इसकी ताकत के पीछे की कहानी क्या है और कैसे हिजबुल्ला इसराइल के लिए एक चैलेंज बन सकता है, समझते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर हिजबुल्ला है क्या। लेबनान जो कि कहने को तो एक सेक्युलर कंट्री है लेकिन इसे कंप्लीट सेक्युलर कहना भी ठीक नहीं होगा। हालांकि लेबनान अदर मिडिल ईस्ट कंट्री के कंपैरिजन में थोड़ा बेहतर है। लेबनीज सोसाइटी में रिलीजियस फ्रीडम है और सभी रिलीजन कम्युनिटी को रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन कम्युनिटी वाइज एक दूसरे के बीच टेंशन बनी ही रहती है। रिलीजन की बात करें तो लेबनान में सबसे ज्यादा मुस्लिम है जिसमें सुन्नी मुस्लिम 31.9% और शिया मुस्लिम 31.2%, ऑलमोस्ट 50-50, क्रिश्चियन 32.4% और बाकी जो बचता है उसमें अलग अलग कम्युनिटीज आती हैं। कम्युनिटी वाइज देखें तो मेनली तीन बड़ी कम्युनिटी है, सुन्नी मुस्लिम शिया मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। और इसी डेमोग्राफिक स्टेटस के अकॉर्डिंग लेबनान की पॉलिटिक्स भी काम करती है जिसमें जो लेबनान का प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा क्रिश्चियन होता है, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम होता है एंड पार्लियामेंट स्पीकर शिया मुस्लिम कम्युनिटी का होता है। ये फिक्स है। आज के टाइम पे देखें तो प्रेसिडेंट है मिशेल ओन जो कि क्रिश्चियन है, प्राइम मिनिस्टर है नजीब मिकाती जो कि सुन्नी मुस्लिम है और पार्लियामेंट स्पीकर है नबी बेरी जो कि शिया मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और ये जो हिजबुल्ला है वो लेबनान के शिया मुस्लिम कम्युनिटी का एक पावरफुल पॉलिटिकल एंड पैरामिलिट्री ग्रुप है। हिजबुल्ला नाम का मतलब होता है अल्लाह की पार्टी और इस टाइम इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है हसन नसरुल्ला जो कि 1992 से हिजबुल्ला के हेड हैं। लेबनान में शिया कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेबनान की सत्ता में डायरेक्ट इन्वॉल्व भी हैं। ये एक वजह है जो मिडिल ईस्ट में ग्राउंड लेवल पर हिजबुल्ला को सबसे पावरफुल ग्रुप बनाता है और इन सब के ऊपर ईरान, हिजबुल्ला को ईरान का खुला सपोर्ट हासिल है। ईरान हिजबुल्ला को फंड से लेकर हथियार तक सप्लाई करता है। पैसे की बात करें तो अमेरिकी ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ईरान हर साल हिजबुल्ला को $700 मिलियन की मदद देता है। बाकी ईरान की हिजबुल्ला के साथ इस मोहब्बत और उसके वेपन सपोर्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ और समझते हैं हिजबुल्ला बना कैसे और इसराइल के साथ इसकी दुश्मनी की वजह क्या है। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में चलना पड़ेगा। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे 1948 में इसराइल बना और फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से उनके घर से उन्हें भगा दिया गया। चूंकि उन्हें उनकी ही जमीन से निकाल दिया गया था तो जाहिर सी बात है वो हवा में तो रहते नहीं, कहीं ना कहीं उन्हें रहने के लिए उन्हें जमीन तो चाहिए ही थी और उसी जमीन की तलाश में फिलिस्तीन से निकाले गए फिलिस्तीनी बड़ी संख्या में लेबनान सीरिया इजिप्ट और जॉर्डन की तरफ निकलते हैं जिसमें जॉर्डन में सबसे ज्यादा फिलिस्तीनी पनाह लेते हैं। अपनी जमीन अपना घर वापस से हासिल करने के मकसद से 1994 में एक ग्रुप बनाते हैं जिसे नाम दिया जाता है PLO पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम होता है फिलिस्तीनी लोगों के राइट्स उनकी जमीन उनका घर उन्हें वापस से दिलाना। और इसी बीच PLO इसराइल पर कई अटैक भी करता है। चूंकि PLO तेजी से जॉर्डन की जमीन पर आगे बढ़ रहा था उसकी ताकत बढ़ रही थी जिसे देखते हुए जॉर्डन के जो किंग थे जिनका नाम था हुसैन उन्हें खतरा लगने लगा कि हो सकता है फ्यूचर में PLO और ताकतवर हो जाएगा और इससे उनकी सत्ता को खतरा हो सकता है। और इसी खतरे को देखते हुए सितंबर 1970 में जॉर्डन गवर्नमेंट और PLO के बीच एक भिड़ंत होती है जिसे जॉर्डेनियन रेवोल्यूशन या सितंबर रेवोल्यूशन
या फिर ब्लैक सितंबर भी कहा जाता है, और इस भिड़ंत में हजारों फिलिस्तीनी की मौत होती है और फिलिस्तीनियों को जॉर्डन से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन अभी भी वो हवा या आसमान में तो रहेंगे नहीं, रहने के लिए जमीन तो चाहिए। और अब जॉर्डन से निकाले गए फिलिस्तीनी नए घर की तलाश में लेबनान पहुंचते हैं, साथ ही साथ जॉर्डन में बना पीएलओ का हेड ऑफिस भी अब लेबनान की जमीन से ऑपरेट होने लगता है। 1970 डिकेड में पीएलओ लेबनान की जमीन से इसराइल पर एक के बाद एक हमले करता है, और इस हमले के जवाब में इसराइल 1982 में लेबनान पर अटैक कर देता है, जिसे फर्स्ट लेबनान वॉर भी कहा जाता है। और इसराइल लेबनान के साउथ रीजन और लेबनान की राजधानी बैरूत को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब तक हिजबुल्ला का कोई नामो निशान भी मौजूद नहीं होता है। हालांकि लेबनान पर इसराइल का अटैक पीएलओ के खिलाफ होता है, पीएलओ को खत्म करने के मकसद से इसराइल लेबनान में घुसपैठ करता है, और इसराइल की यही घुसपैठ हिजबुल्ला के पैदा होने की वजह बनती है। इजरायली आर्मी को लेबनान से बाहर निकालने के लिए सिया मुस्लिम एक ग्रुप बनाते हैं, जिसे हिजबुल्ला नाम दिया जाता है। हिजबुल्ला के लड़ाके इजरायली आर्मी पर गुरिल्ला अटैक करते रहे, आमने सामने की भिड़ंत भी होती रही, और साल 2000 में इसराइल लेबनान से अपनी आर्मी वापस बुला लेता है, और हिजबुल्ला इसे अपनी जीत मानता है। हिजबुल्ला बना कब, डेट क्या थी, साल क्या था, इसे लेकर अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग दाम है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि 1982 के बाद और 1985 के बीच हिजबुल्ला को एस्टेब्लिश किया जाता है। हिजबुल्ला बनने के बाद 1985 में हिजबुल्ला की तरफ से एक मैनिफेस्टो भी रिलीज किया जाता है, जिसके कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। जैसे एक था ईरानियन इंस्पिरेशन, हिजबुल्ला ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन एंड आयतुल्लाह खुमैनी के आइडियाज को अडॉप्ट करता है। नंबर टू, हिजबुल्ला ने इसराइल को अवैध माना और उसके इन्फ्लुएंस को खत्म करने की कसम ली। नंबर थ्री, हिजबुल्ला ने अमेरिका और साथ ही साथ विश्वन को बड़ा शैतान कहा। एंड नंबर फोर, हिजबुल्ला ने सुन्नी मुस्लिम के अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ बात कही और इस्लामिक यूनिटी पर जोर दिया। इन सभी मेन पॉइंट्स में एक था इसराइल को खत्म करना, और इसी पॉइंट को फॉलो करते हुए 12 जुलाई 2006 में हिजबुल्ला इसराइल बॉर्डर को क्रॉस करता है और दो इसराइल सोल्जर्स को किडनैप कर लेता है। जवाब में इसराइल लेबनान पर हमले शुरू कर देता है, और 34 दिन तक इसराइल और हिजबुल्ला के बीच हमले चलते रहे, और 34 दिन बाद 14 अगस्त 2006 को यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव के बाद हिजबुल्ला और इसराइल के बीच ये जंग भी रुक जाती है। लेकिन अभी भी हिजबुल्ला के लिए उसका सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल ही बना रहा, और आज भी हिजबुल्ला इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। और इस टाइम हिजबुल्ला कई देशों की आर्म्ड पावर के आगे कहीं ज्यादा मजबूत है, और इसकी वजह है ईरान और सीरिया का हिजबुल्ला को खुला सपोर्ट। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ और समझते हैं आखिर ईरान हिजबुल्ला को सपोर्ट क्यों देता है। लेकिन उससे पहले यह भी समझना जरूरी है कि इसराइल और ईरान के बीच उनके रिश्तों की कड़वाहट की वजह क्या है। एक टाइम ऐसा भी था जब इसराइल और ईरान के बीच रिलेशन काफी कोऑपरेटिव हुआ करते थे, लेकिन ये कोऑपरेटिव रिलेशन 1979 के पहले हुआ करता था, जबकि 1979 के बाद सब कुछ बदल गया। ईरान में एक इंसान हुआ करते थे जिनका नाम था आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, जो कि एक ईरानियन शिया मुस्लिम थे, साथ ही साथ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर भी थे। 1979 में ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद पहलवी डायनेस्टी को खत्म कर ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक नेशन में बदल दिया जाता है, और इस पूरे खेल में आयतुल्लाह खुमैनी बड़ा रोल प्ले करते हैं। और यहीं से ईरान और वेस्टर्न के बीच रिलेशन में कड़वाहट की शुरुआत होती है। खुमैनी अमेरिका को सबसे बड़ा शैतान कहते हैं और इसराइल को छोटा शैतान बताते हैं, जबकि इसराइल को लेकर उनका तेवर अग्रेसिव होता है। खुमैनी का कहना था कि इसराइल एक इलीगल स्टेट है जिसे फिलिस्तीन की जमीन पर बसाया गया है, और खुमैनी इसराइल के अगेंस्ट जिहाद का सपोर्ट करते हैं। और जैसा कि भी आपको बताया कि 1985 में हिजबुल्ला के मैनिफेस्टो में जो मेन पॉइंट्स थे उसमें एक था ईरानियन इंस्पिरेशन, जिसमें वो खुमैनी के आइडियाज को अडॉप्ट करते हैं। यही वजह है कि ईरान इसराइल के अगेंस्ट हिजबुल्ला को ट्रेनिंग, वेपन, पैसा जैसी चीजें देता है और हिजबुल्ला का सपोर्ट करता है, और हिजबुल्ला ईरान के सपोर्ट की वजह से मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल ग्रुप बनकर इसराइल के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हिजबुल्ला के लड़ाके वेल ट्रेंड है, और ये ट्रेनिंग भी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की एक ब्रांच कुछ फोर्सेस प्रोवाइड करती हैं। और सीरिया ईरान की तरफ से हिजबुल्ला को मिलने वाली फैसिलिटीज में मीडिएटर का काम करता है। आज के टाइम पर हिजबुल्ला के पास मिसाइल, रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल फतह, जिसे ईरान ने हिजबुल्ला को दिया है जैसे वेपन, हिजबुल्ला को मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल ग्रुप बनाता है। लेकिन फिर भी इसराइल के सामने हिजबुल्ला बहुत कमजोर है, हालांकि हमास के कंपैरिजन में हिजबुल्ला कहीं ज्यादा मजबूत है। ऐसे में अगर हिजबुल्ला इसराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता है तो हालात
इससे भी बदतर हो सकते हैं। और अमेरिका इसराइल के साथ वॉर में अपनी आर्मी भी उतार सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आप ये समझ लें कि इसका इंपैक्ट सिर्फ इसराइल, फिलिस्तीन, लेबनान और अमेरिका तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका निगेटिव इंपैक्ट होगा। गुटबाजी शुरू हो जाएगी, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी खराब होने लगेंगे। ऐसे में बेहतर यही है कि यूनाइटेड नेशन अब अपने ढीले रवैये को बदले और फिलिस्तीन से इसराइल के इलीगल सेटलमेंट को खत्म करवा के इस पूरे विवाद को खत्म करे। हालांकि यूनाइटेड नेशन हो या यूरोपीय यूनियन या वेस्टर्न कंट्रीज, इन सब का इसराइल को एकतरफा सपोर्ट इस आग को खत्म करने के बजाय और भड़का रहा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।